चौकीदार, अरे मैं चौकीदार, न जाने कहां चौकीदार मर गया। मैं देख रहा चौकीदार क्या कर रहा है। देखिए भाइयों, चौकीदार ने कैसे वीडियोग्राफी बना रहा है। क्यों बे चौकीदार, चौकीदार क्यों बे चौकीदार, अरे साहब, अरे साहब खोला गाठी मारा 200 लाठी, अरे साहब खोला गाठी, अरे कैदी मारा 200 लाठी, अरे साहब, अरे नीचे कर दो चौकी, क्यों बे चौकीदार, अरे गोड़े का सामान हाथ में पछी आ गया, जूता पर पड़ेगा कि हाथ में बे, अरे साहब इके हम का पहना के चलागा, साहब एक का खोला पहले नीचे वाला खोला, अरे साहब वो खोला जकड़ा है, निकालो निकाल निकल जाएगा, निकल गया साहब, ये साला कौन, क्या बे चौकीदार, कौन कुकुर मोत्ता साला हमको जूता पहना दिया, अरे बे चौकीदार, जी साहब, ए थाना की कोई कबाड़िया खाना बना रखा है तू, हम लोग समझ लो मैं दूसरे किस्म के इंसान हूँ। ए बता चौकीदार, तू बैठ करके वीडियोग्राफी बना रहा है, वीडियोग्राफी ये बनवाता है, हम कौन वीडियोग्राफी बनवाता है, देख रहा हूँ ऐसे बना रहे हो, अरे साहब अब ये बता, पता ही नहीं साहब हम सोइए हमरे, और मोहना को, मोहन तो ही बैठा है, तो लेके मेरे पास आ जल्दी से, मोहन, ओ मोहन, हम मोहन किधर गया, वही साला हमको लग रहा है हमको जूता पहना के भाग गया मोहना, क्यों बे चौकीदार, कहीं बदतमीज गंदी नाड़ी किए साहब, कहा करी साहब नींद आइए, तू चौकीदार है बोल, चौकीदार है तू, कहा करी अब कऊ रात से जागत जागत तनिक नींद में आइए, इतने में मोहन फरार खाइए, क्या खा गया, फरहार हो गया, हाँ फरहार हो गया, तो ऐसा क्यों नहीं बोलता बदतमीज, हाँ साहब फरहार हो गया, ए बताओ, हाँ मोहना राम जय, कितनी दूर गया होगा अभी, अरे अबे ज्यादा दूर नहीं साहब, अबे ज्यादा ज्यादा भुजनिया की डाकत हुई है, चौकीदार, हाँ साहब, क्या बे भुजनिया क्या डाकता होगा, अरे भुजनिया घर कहता है, तो घर का क्यों ना, हाँ भुजनिया घर डाकत हुई है साहब, अभी भुजनिया डाका होगा, नहीं नहीं साहब भुजनिया घर डाका, तो ऐसा क्यों नहीं बोलता, चलो जल्दी देखा जाए साहब, चलो जल्दी देखा जाए, कहाँ आओ आओ चलो, हेलो, अरे माई मोर भुजिया तले, बाबू मोर गाजा मले, माई मोर भुजिया तले, बाबू मोर गाजा मले, दोनों भाई मिल के पिए, दोनों भाई मिल के पिए, पहला माई फूल के तारे, पहला माई, मैं इतनी दूर चलाया हूँ, पुलिस मेरा जरूर पीछा करेगी, मैं कहाँ जाऊँ मालिक, मैं कहाँ जाऊँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपमान का बदला नहीं चुका पाऊंगा, और मैं सामने माँ गंगा की धारा दिखाई दे रही है, आज मैं इसी में अपनी जान दे दूंगा, इसी में अपनी जान दे दूंगा, नंबर एक और नंबर दो, या मालिक ये भैया की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही, बहन तो मेरी दुनिया छोड़ करके चली गई है, भैया आप मेरी बहन की आत्मा बोल रहे हो भैया, क्या तू मेरी बहन की आत्मा बोल रही, नहीं बहन, आखिर क्या करो बहन, क्या करो, इस दुनिया से मैं उब गया हूँ बहन, तेरा ही सहारा था, तू
भी मुझे छोड़ कर चली गई। मैं कौर रास्ता भाई अगर तू अपनी जान दे दे भैया तो बदले की याद मेरे दिल में आत्मा मिल गई लेकिन बहन सबसे पहले एक बात बता किस दुनिया से मिटाने वाला तुझे कौन है बहन कौन बहन और कहा कि तेरा भाई मैं कहा गया मैं कही कि भैया मेरे भैया कमाने के मजदूरी करने गए भैया तो क्या हुआ बहन तेरा भाई कुछ 5,000 कसर लेकर गया है पैसा दे मुझे ओ हरे दादा भी नहीं बहन ऐसा मत कहो बहन ऐसा मत कहो बहन के हमने कहा कि पास क्या बचा है उसने कहा लाल वार सेठ गिरधारी लाल तूने कर्ज के बदौलत तेरी बहन की असमत को बर्बाद करके उसकी जिंदगी ले लिया आज मैं तेरे बताए हुए रास्ते को अपना रहा हूँ और मैं वादा करता हूँ बहन कि जब तक मैं तेरे अपमान का बदला उस तरिंदे साले गिरधारी लाल से नहीं चुकाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। कौन सी बात है बहन फिर क्या होगा बहन ठीक है बहन आज से मैं अपना नाम बदल दे रहा हूं सेठ गिरधारी लाल आज से तू अपनी उल्टी गिलती की न शुरू कर दे मैं तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूं कभी नहीं तेरे पास बहुत जल्द आ रहा हूं और जब तक मैं तेरे होश से होली नहीं खेलूंगा अपने बहन के अपमान का पला नहीं चुकाऊंगा हराम खाओ शेर की धारी लाल मैं पल नहीं बैठूंगा अगर तुझे अपने बहन के अपमान का बदला न चुका लिया तो मेरी जिंदगी में धिक्कार है समय कितना भी नाजुक हो जमाना याद आता है चौकीदार सर नमस्ते 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 सबसे पहले बताओ हाँ सर कि हल्के क्या समाचार है हल्के का समाचार सब ठीक है सर और दीपक जी कहाँ गया अभी तक नहीं दिखाई दिए हाँ सर दीपक जी आए नहीं भी ड्यूटी पर ठीक है मैं बैठ रहा हूँ आज मुलाकात करो जय हिंद सर जय हिंद जय हिंद दीपक जी सर ए बताओ हल्के क्या समाचार है एकदम ठीक है सर फिर भी होना चाहिए कोई गलती नहीं है आपसे मुझे यही उम्मीद है
कि दीपक जहां रहेगा काम एकदम ईमानदारी से करेगा। इलाका एकदम शांत है सर, साथ भी रहना चाहिए। बात क्या है, बड़े घबराए नजर आ रहे हो। सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ सर। क्या कहना चाहते हो कहिए सर। मुझे एक हफ्ते की छुट्टी देने दे सर। तुझे एक हफ्ते की छुट्टी चाहिए? जी हाँ सर। देखिए दीपक, एक हफ्ते की नहीं, सिर्फ छुट्टी तुम्हें 2 दिन मिल सकती है सर। इसलिए छुट्टी चाहिए कि कल रक्षाबंधन का त्योहार है, इसलिए मेरी बहन मेरे घर पर अकेली है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। समझ रहा हूं दीपक, अगर तू जाना चाहता है मैं तुम्हें एक हफ्ते छुट्टी दे रहा हूं, लेकिन याद रहे एक हफ्ते के कोशिश करना कि अंदर आने का। ठीक है सर, मैं आ जाऊंगा और जैसे होगा उसे बताना। ठीक है सर। ठीक है, आप जा सकते हो। चौकीदार, देखिए राखी का त्योहार है। हाँ, रक्षाबंधन का त्योहार है। दीपक ने अपने घर गए अपने बहन से मुलाकात करने के लिए। और ड्यूटी काज दे देना। ठीक है सर। ऐसे तो वक्त आओ चला जाए। अच्छी बात है साथियों, वक्त का इंतजार करना, बात का बात सही बताऊंगा। अगली सीन इस ब्रेक के बाद, एरा इंस्पेक्टर चुलू पांडे का ऐलान। देखना खेल में मजा तो अब आएगा। हेलो, अरे लाल कुकुरिया को चल गई मेरे बुलेट के नीचे से, मुझको पुलिस ने देख लिया। शिव प्रसाद, ओहो मेरा दिल का करार आ जाए बे। अरे वाह सेठ जी, आज आप गोली वाली बांध के कहां निकला है? एक काम करना है बे, और जो साला भोलवा किसान है, हाँ, ओ साला 5,000 रुपया साला वो हराम ज्यादा लेकर। लेकिन भोला तो मर गया। अबे भोला मर गया तो मेरा पैसा तो नहीं बना रे। ये बात तो सही कह रहे हैं, भोला मर गया लेकिन उसका उसके घर में कोई और होगा। ये बताओ उसके घर में कोई और है बे? और क्या, भोला की एक लड़की और एक लड़का। एक लड़की और एक लड़का है, ये दोनों मौजूद है। बेटे क्या नाम है बे? आए बेटे का क्या नाम है? दीपक। दीपक। और उसके? ज्योति। अरे क्या यार नाम सुनते रखे है, ज्योति। हाँ ज्योति। चलते हैं सारे छापने के पास। चलो आज ज्योति के घर चला जाए। मेरे दिल का काला जाता है। अरे ठंडी में कैसे सरकत यहाँ, ये बताइए कहाँ जा रही हो? जाऊंगी कहाँ भैया? कहीं नहीं जा रही हो, लेकिन तुम भूल रही हो ज्योति, तुम भूल रही हो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। यही तुम्हें ऐसे कहने आ रही। और तुम्हारे भैया दीपक कहकर गए थे कि राखी के त्योहार पर आऊंगा, और अभी तक वापस लेकिन उनका इंतजार करो, हो सकता है कि वो आते होंगे। हो
कैसा भोलेनाथ की नई दिल्ली में डालडा मिलाई की कहा ज्योति में अरे पहुंच गया दीपक के घर जाकर के कह दो के दरवाजे पर शरण के धरिहाल आए हैं भाई धर्म देखी के बाटे दीपक का घर यही है सेठ आया है गुड़ लेके क्या अरे का कहें सेठ गुड़ अन गिरधारी लाल हम कही गुड़ लेके आया सेठ गिरधारी लाल आया है तोहरे दुआरे हाँ तो से मिले आया है और क्या बात क्या बात का पैसा ले आया है और क्या बात यह है सेठ कर्जा सेठ कर्जा बांटे हैं वह वसीले आया है और का है? या बांटे सेठ से पहले नमस्ते करा नमस्ते नमस्ते अरे वाह यार यहाँ पहुंचा था बिगवा की नहीं वो अबे लड़कियों के पूरी नागिन है ये अरे तो तू कौन है नाग से कम तो होते एकदम नाग देवता हा पूरा पकड़ हमारी राइफल में तोहार राम फल ना पकड़ पाओ कौन राम फल राम सिंह में आई का भाई ऐसे राइफल कही जाती है ऐसे बंदूक कही जाती है अच्छा बंदूक कहत जाने तो कहा था राम फल का पकड़ा हमारे पछवारे लुकाती है बाकी हो कम के Thank you.
रहा, इतना जोर से पटका था वहीं एक पतनहर उतनहर उखड़ गया के बैठवा भैया। तो का कुछ समझ में नहीं आवता है के का ऊपर करी भवा। अरे अश्वत को हमने लूट जा रहे, अब तो चश्मे में जा रहे, लोग कह के तो तवाइफ आ रही। तो का हम इतना ही जानत रहे कि सेठ है सोबे तो तुहरे पैदाइश में फर्क है, तू जहां पहुंचा था वही बहनी बिटिए की इज्जत लूट लेता। लेकिन रह जा पूर्व नारक मेला मा सवेर वाला है, तोहका आज वो मार मारा जाब्या तू कि दोबारा क्योंकि इज्जत की तरफ लखब्या न ध्यान दे। तुम कहाँ जाओगी ज्योति, आज तो तुम दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गई हो। अब तुमको तो इस जिंदगी से ज्यादा कि तुम फांसी लगा करके या किसी नदी नाले में जा करके डूब कर अपनी जान दे दो। किसको अपना फोन दिखाऊंगी, मेरी असमत से तो मेरी सेल की ढाई लाने धागे लगा दिया। मैं भी इसी बात इसी लाने को के मुझे जाने दूंगी, नहीं कि मुझे समाज में नहीं मरे अपनी जान देना चाहती है, बता दे एक बार, मैं उस कातिल को दुनिया से मिटा करके रख दूंगा। बोल अपनी जान क्यों आ रही है, सब जानना चाहती है।
मेरा नाम क्या है, मेरे परिवार में कौन कौन है? सुनिए बाबूजी, मेरा नाम ज्योति है। क्या कहा? तेरा नाम ज्योति है, लेकिन एक बातें बता कि तू रहने वाली कहाँ की है? हमारे बड़े भैया का नाम दीपक है, मैं चंदनपुर गांव की रहने वाली हूँ बाबूजी। तेरा नाम ज्योति है और तेरे पास एक तुझसे बड़ा भाई है जिसका नाम दीपक है, लेकिन एक बात जानना चाहता हूँ कि इस माँ कंगे में जान देने क्यों जा रही है? क्या मुसीबत तेरे सर पर आई है? कौन ऐसी तकलीफ तेरे सर पर आई है? मैं जानना चाहता हूँ। भैया अब मैं दुनिया में मुझे खाने के काबिल नहीं रही। कोई कारण होगा, कोई राज होगा, आज तो तुझे बताना होगा। बोल, ऐसा कदम उठाने की तुझे जरूरत कैसे पड़ गई? मेरे भाई, अगर आप मेरी कहानी आप सुनोगे तो आपका कलेजा फट जाएगा। लेकिन आज मैं तेरी कहानी को सुनूंगा और समझूंगा कि तू किस लिए गंगा मैं अपनी जान देना चाहती है। देर की दाई डाल ले, तेरी अस्पत को लूट लिया है। क्या कहा? ओ साला हरामखोर सेठ गिरधारी लाल, तेरी अस्मत को बर्बाद कर दिया और तुझे जान से मारना चाहा, इसलिए तू आज दुनिया से उब गई है और माँ कंगे में अपनी जान देना चाहती है। या गए हमारे भैया, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, गरीबों के मसीहा, जन जन के साथी, जय सवाल कृषि सेवा केंद्र दहियावा बाजार प्रयागराज, जय सवाल मार्केट मेन रोड सब्जी मंडी, प्रमाणित एवं हाइब्रिड बीजों के विक्रेता एवं कीटनाशक दवाओं के थोक एवं फुटकर विक्रेता, प्रोपाइटर गिरजा गिरजेश जायसवाल छोटे योगी जी, आने वाली 1 जनवरी, आने वाली 1 जनवरी पहला महीना सन 2023 को मास्टर लाल जी के नौटंकी का आयोजन किया गया है। आप सब भारी संख्या में पहुंचकर नौटंकी की शोभा बढ़ाएं। 51 रुपया दे रहे हैं पार्टी की तरफ से। भाई साहब को बारंबार नमस्ते पहुंचे। आप ही बताइए मैं कैसे जीऊं। तेरा नाम ज्योति है जी? हां भैया। ज्योति, तेरी कहानी से मेरी कहानी मिलती जुलती है। कैसे भैया, मैं समझी नहीं। देखो ज्योति चिया, तेरे जैसे खूबसूरत एक मेरी बहन थी जिसका नाम राधा था। भैया फिर ज्योति, एक दिन की बात है, मैं शहर मेहनत मजदूरी करने चला गया था। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, यहां तक कि मेरे घर में एक रोटी का आटा भी नहीं था। क्या हुआ भैया? बहन को झोपड़ी पर छोड़ करके ज्योति मैं शहर कमाने चला गया, मेहनत मजदूरी करने चला गया। जो भी दिन भर की कमाई मुझे मिली, बहन के खाने पीने का इंतजाम करके मैं अपने झोपड़ी पर आया। जी हाँ भैया। क्या बताओ ज्योति, क्या हुआ भैया? आज उस बहन राधा की जब याद आती है तो मेरा कलेजा फट जाता है। आखिर बात मैं मालिक से ही कामना करता हूं कि मालिक जिस भाई के खानदान में बहन देना वो मेरी राधा जैसी देना। बाबूजी, ज्योति भैया, मैंने अपने दिल में अरमान लेकर आया था। क्या बात कि आज बहन खाना बेहतरीन ढंग से बनाएगी, भाई बहन खाना को खाएंगे भैया। लेकिन कहा गया है कि मालिक की मर्जी के आगे बगैर किसी की मर्जी नहीं चलती है। आया बहन को आवाज लगाया, झोपड़ी में जो बहन एक आवाज सुन करके ज्योति मेरे कंधों से कंधा मिलाकर लिपट जाती थी। आज आज वो बहन लाख आवाज देने के बाद मेरे करीब नहीं आना चाहती है। क्यों भैया? इतना ही नहीं ज्योति,
क्या हुआ भैया? मैंने अपनी झोपड़ी में जब प्रवेश किया जी हाँ, तो देखा तो मेरी बहन सो रही थी। हाँ भैया। मैंने कहा वारे बहन, आज मुझसे इतनी बड़ी तू नाराज हो करके गहरी नींद में सो रही है कि अपने भाई की आवाज को सुनकर आना भी नहीं चाहती है। मैंने उसके पास गया, जो थी हुआ भैया, उसे जो ही उठाया तो मैं क्या देख रहा हूं कि ना जाने कौन हत्यारा उस बहन का खून। पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया, मुझे बहुत मारा ज्योति, बहुत मारा जी भैया। मैंने पुलिस वालों को चकमा देकर के, चौकीदार को चकमा देकर के वहां से भाग निकला। जब वहां से भाग निकला तो मैं भी तेरे तरीके से माँ गंगे में जान देना चाहता था जी भैया, क्योंकि कोई सहारा देने वाला नहीं था। तो उस वक्त आवाज आई, भैया भैया। मैंने कहा ये आवाज कहाँ से आ रही? तो आवाज ने मुझे बताया कि मेरे भाई, मैं तेरी बहन की आत्मा बोल रही हूँ जी भैया। उसने कहा मोहन, अगर तू माँ गंगे में अपनी जान दे देगा तो मेरे अपमान का बदला कौन चुकाएगा? और जब तक तू मेरे अपमान का बदला नहीं चुकाएगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उसी बताए रास्ते को मैंने अपना लिया और उठा लिया हाथों में बंदूक, और मैंने अपने दिल में एक कसम खा चुका हूं कि जब तक मैं सेठ गिरधारी लाल को दुनिया से नहीं बिठा दूंगा, मैं एक पल बैठूंगा नहीं। और उसको तो इतनी दूर साले को भेज दूंगा कि वो भी अपनी जिंदगी में सोचेगा कि बुरा कर्म करने वालों का नतीजा क्या होता है। बहन भैया, आज से तू मेरी बहन है, ज्योति बहन है। लेकिन अगर इस तरीके से तू मुश्किली वाला काम करेगी तो अपने अपमान का बदला नहीं चुका पाओगी। एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मेरी बात को मानोगी? जी जरूर मानूंगी। अगर मानोगी तो मेरी बात कान खोल करके सुनो। कहिए भैया। बहन भैया, आज से हाथ की चोड़ियां तोड़कर फेंक दे जी, ठीक है भैया, और उठा ले हाथों में बंदूक और मिटा दे उस साले कुत्ते सेठ गिरधरिया को, न रहे पास और न बजे पासुड़ी। लेकिन आज के बाद तेरा नाम ज्योति नहीं होगा। फिर क्या है भैया? बल्कि तेरा नाम खूंखार ठाकुर ज्वाला रानी होगा। चल मेरे साथ, चल मेरे साथ, और आज मैं शराब खोर को पत्र लिखूंगा और आज ही उसके हवेली पर चल करके उसका खात्मा करके रख दूंगा। चलो बहन। जय माँ भवानी की। समा पे हंस के मरने वाले को परवाना कहते,
जय पैदा में उठे मर दादा कहते अरे तोरे पछवरवा चांद जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार चली आना तोरे पछवरवा तोरे पछवरवा चांद जब निकले धीरे धीरे नदिया किनार चली आना चली आना चली नदिया के पनिया जो उमड़ल आवे नदिया के